काफी वहां पे माहौल काफी गर्म हो गया जब आपने प्रोसीडिंग्स को रोका, तो ये वजह क्या बनी? वजह ये थी कि एमक्यूएम का जो बैरिस्टर था वो कासिम अली से वो सवाल कर रहा था मेरे साथियों से, बीवी बच्चे फैमिली। वो भाई मैंने कहा ये वो ऐसे बात कर होता जैसे कि कोई एजेंसी का आदमी नहीं होता कि बच्चे कितने हैं कहाँ रहते हैं क्यों। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा आई कैन नॉट अलाउ दिस टू एक्सपोज द हाइडिंग प्लेस ऑफ माय पीपल एंड देयर फैमिलीज, आई विल नॉट अलाउ। अच्छा आपने जो यहाँ पे एविडेंस दिया जी, मुखालिफ बैरिस्टर ने सवाल किया था, मुखालिफ बैरिस्टर ने सवाल किया था। अच्छा यहाँ पे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग वो गलत है बिल्कुल। मैं किसी कीमत पर मेरे साथियों को नुकसान पहुंचे न पाके, अगर मैं ये चीज पे सौदा कर लेता तो ये एमक्यूएमपी के जो गद्दार है महाजिर कौम के, मैं इनकी तरह से वहां नहीं रह सकता था। बड़े बड़े डिफेंस के घरों और महिलात में नहीं रह सकता था। मैंने कौम का सौदा न किया न करूंगा। अच्छा यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने आपके खिलाफ उन्होंने विटनेस स्टेटमेंट दी और पूरा एक दिन कोर्ट के सामने वो पेश किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं तो कल उन्होंने कहा कि मैं तो अल्ताफ भाई का अभी भी उनको मानता हूँ और ये कि मतलब मेरी कोई इंटेंशन। अब वो अल्लाह को जवाब देंगे कि उन्होंने पहले मेरे सामने मेरे साथियों के सामने कुरान पे हाथ रख के मुतअद्दिद बार तजदीद अहद वफा किया है और ब्रिटिश कोर्ट के सामने कुरान पर हाथ रख के यहां क्या कहा और पाकिस्तान में किस तरह कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा चाहे वो किसी भी मुहाजिर हो या गैर मुहाजिर हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची, सराई की, पख्तून, बलोच, कोई भी हो, सब समझ चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्या साजिश है। मैं जैसे मैंने अभी ऊपर चंद साफी दोस्तों से बात कर रहा था, कहा था कि मैं देखिए लोग समझते हैं पंजाबियों के खिलाफ, जितने कराची में पंजाबी महाजिर पठान महाजिर फसादात करा है वो सब खुदा की कसम आईएसआई ने करा है, और आज जो कहा जा रहा है हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो न्यूट्रल होने के बाद आज तक मेरे घर पे ताला कैसे है। दूसरे ये कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से आपके तवस्सुल से ये पैगाम पहुंचाना है। मियां नवाज शरीफ साहब देखिए, कल तक आप कहते थे वोट को इज्जत दो, फौज से हाथ मिलाकर आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि आपकी हुकूमत है नायका का कार्ड बनाने के लिए मैंने जमा कराया, वजीर दाखिला वजीर खारजा आपका, मेरा नायका कार्ड पाकिस्तान का पासपोर्ट, अभी तक नायकॉम शिनाख्ती कार्ड क्यों नहीं बना, क्या आप जवाब दे सकते हैं? आपका अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट या नादरा या नायकॉम का कार्ड नहीं है? नहीं दे रहे, नहीं। दो दफा 2014 में और अब दोबारा जमा कराया, कराए में भी उसके लिए फिर देखिए मेरे वहां पाबंदी 2015 से, उसके खिलाफ दरखास्त दायर की निसार पवन ने, तो निसार पवन को गिरफ्तार कर लिया उसी रात। ये भाई सवाल ये है कि क्या आप आज भी पाकिस्तानी होने पर फख्र करते हैं? मैं बिल्कुल फख्र करता हूँ, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, फौज का भी मैं खिलाफ नहीं हूँ खुदा की कसम, लेकिन चंद करप्ट फौज के अफसरान, करप्ट जनरल वो सिपाहियों तक को बदनाम कर रहे हैं करप्शन करके, मुल्क की सियासत में सियासी मामलात में मदाखलत करके, वो मुल्क को नहीं बल्कि अपने इंस्टीट्यूशन फौज की बदनामी के नाम ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज जो नारा लग रहा है पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में वो इन करप्शन डेलों की वजह से मिल रहा है, जिनका इत्तेहाद पाकिस्तान के जागीरदारों
वडेरों सरदारों खवानीन से है। अल्ताफ भाई, आपकी जो तकरीर थी 22 अगस्त वाली और उसके बाद मौजूदा सियासत के अंदर जिस तरह खान साहब ने डर्टी हैरी का नाम दिया, मीर जाफर मीर सादिक का जर्नैलों को, उसमें और आपकी तकरीर में क्या फर्क था? क्या जिस तरीके से सजा दी गई? बस फर्क इतना है कि उनका ताल्लुक पंजाब से है, मेरा सिंध से ताल्लुक है, कराची से, और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, ये मेरा गुनाह। जनरल डोमिसाइल का फर्क। जनरल बाजवा के बारे में अब ये सामने आया कि वो डबल किरदार अदा करते रहे, एक तरफ वो नून लीग के कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने परवेज इलाही को कहा कि आप इमरान खान से मिल जाए। बाजवा साहब का जो पिछले 6-7 साल का ये दौर रहा जिसमें आप पे भी पाबंदी, उसके बाद चीजें लगी, तो बाजवा साहब का जो ये डुअल किरदार है उसको कैसे देखते हैं? भाई मैं सिर्फ बाजवा साहब कह रहे, उनसे पहले भी राहिल शरीफ हो चाहे जनरल, कोई भी जनरल, चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, कोई भी जनरल हो, जनरलों का रोल कभी भी अच्छा नहीं रहा। उनका इत्तेहाद दौलतमंद सरमायादारों वडेरों जागीरदारों से रहा है, आवाम से या पाकिस्तान से नहीं रहा। झूठ बोला पाकिस्तान के नाम पर, बेवकूफ बनाया है। आज मेरे खिलाफ जो मुकदमा यहां कायम हुआ हुआ है वो किया मीन उल्हक ने, लेकिन उसको जवाब देना नहीं आ रहे थे, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था।